हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन शुरू किया हुआ है। हमने एक्सरसाइज 5.2 शुरू की थी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 सो ऑन। हमारे पास एक एपी सीरीज है, हमें उसकी 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन पीछे से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमारे पास एपी जो गिवन है वो है 3, 8, 13 सो ऑन, और जो इसकी लास्ट टर्म है वो हमें दी हुई है 253। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम इधर इसे फर्स्ट टर्म मानते थे और इधर से हम गिनती शुरू करते थे। ये A1, ये A2, ये A3 और A20 अगर हम फाइंड आउट करने होते तो हम कर लेते, लेकिन इस बार यहाँ पे कुछ चेंजेस है। यहाँ पे हमें बोल रहे हैं फ्रॉम द लास्ट टर्म, हमें 20th टर्म फाइंड तो करनी है लेकिन पीछे से। अब तक हम आगे से 20th टर्म फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें पीछे से फाइंड आउट करनी है। मीन्स कि ये हमारी फर्स्ट टर्म होनी चाहिए इस बार, तो हम इस एपी को उल्टा करके लिखेंगे। उससे पहले हम निकाल लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, इसके लिए डी की वैल्यू क्या होगी, 8 - 3 विच मीन्स की 5। तो डी की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो अब हम इस सीरीज को उल्टा करके लिख लेते हैं, मीन्स जो लास्ट टर्म है वो हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। इसे उल्टा लिखेंगे, इधर से शुरू करते हैं, 253 पहली टर्म, इसके बाद इसमें से डी, इस टाइम इधर जब हम इधर से चल रहे थे तो प्लस 5 एड हो रहे हैं, लेकिन जब हम इधर से लेंगे, अगर मैं 13 से 5 8 की तरफ आऊं तो -5 कम हो रहा है, और 8 से 3 की तरफ जाऊं तो -5 कम हो रहा है। मीन्स जब मैं इधर से चलूंगा तो मुझे -5 करने हैं। क्या हो रहा है, +5 कैसे आया, जब हम 3 से 8 की तरफ जाते हैं तो +5 होता है, 8 से 13 की तरफ जाएंगे तो +5 होगा, लेकिन जब हम 13 से 8 की तरफ आएंगे तो हमारे पास -5 होगा, और 8 से 5 3 की तरफ आएंगे तो -5 होगा। तो जब हम इसको फर्स्ट टर्म मान रहे हैं, मीन्स उल्टा चल रहे हैं, तो फिर हमें -5 करना होगा हर केस में। तो हमारी फर्स्ट टर्म तो बन जाएगी 253। अब सेकंड टर्म क्या बनेगी, इसमें से 5 माइनस करेंगे, मीन्स की 248। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 248। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, -5 करेंगे, मीन्स की 8 करेंगे 243, ये आ जाएगा 243। बस और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और लास्ट टर्म ऐसी हमारी अब क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी 3। वैसे उसकी हमें जरूरत नहीं थी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 20th टर्म, मीन्स की A20 फाइंड आउट करनी है। A20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+N-1 × D। अब इस सीरीज के लिए A क्या है, A है हमारे पास 253 प्लस एन क्या हो जाएगा 20 - 1, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी -5। तो ये हो गया हमारे पास 253 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 को मल्टीप्लाई करना -5 के साथ, 19 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 होता तो 100, ये हो जाएगा हमारे पास 95 माइनस का 95। अब इसमें से 95 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 158। तो A20 कितनी आ गई, A20 आ गई हमारे पास 158, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको उल्टा करने का रीजन बस ये था, क्योंकि इस बार हमें पीछे से 20th टर्म फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने इस सीरीज को उल्टा करके लिख लिया। जब आगे बढ़ रहे थे तो +5 का डिफरेंस था, जब पीछे आएंगे तो -5 का डिफरेंस होगा, इसलिए हमने डी की वैल्यू -5 रखी।